तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ये है क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। आखिर स्नेक चार्मर्स होते कौन हैं? तो ये लोग जनरली बीन बजाते हैं और स्नेक्स डांस करते हैं इनकी बीन के ऊपर। तो ये कहानी किसके बारे में है? एक जो बीन बजाते हैं और सांप उनकी बीन के ऊपर डांस करते हैं, उसकी कहानी है ये। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। आई एम आर्यनाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो वॉट आई कैन प्ले द बीन? यू मस्ट बी सरप्राइज। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं हूँ आर्यनाथ और मैं एक चीज़ स्पेशल कर सकता हूँ जो कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या आप जानते हो कि वो स्पेशल चीज़ क्या है? मैं बीन बजा सकता हूँ और तुम सरप्राइज हो जाओगे इस चीज़ को जानकर। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। वी पीपल आर नोन एज कलबिलियास। तो यहाँ पर ये बताते हैं आर्यनाथ कि मैं बीन बजाकर जो स्नेक्स होते हैं उनको डांस करवा सकता हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ही फैमिली से सीखी हैं और ये सारी चीज़ें मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सिखाई हैं जो कि बहुत सालों से ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। वी पीपल आर नोन एज कलबिलियास, और हम सब लोगों को, मतलब जो भी उनके फैमिली वाले मेम्बर होंगे, उन सबको किस नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है उन्हें? कलबिलियास। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट अवर पीपल। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरीज इन हिज ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि जो मेरे ग्रैंड फादर थे, वो रोशन नाथ जी थे, वो बहुत फेमस थे, सब लोग उन्हें जानते थे। बहुत ही आसानी से, ईजीली वो क्या कर लेते थे, कितना भी जहरीला सांप हो उसे पकड़ लेते थे। वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ भी बताया करते थे अपने पहले ज़माने की, अपने पहले टाइम की। और आज मैं वही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो भी उन्होंने बताई थी उन्हीं के वर्ड्स के अंदर। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो जो दादाजी हैं वो याद करते हैं और बताते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। सपेरा किसे बोलते हैं? जो स्नेक चार्मर होते हैं, मतलब जो सांप को डांस कराते हैं, सांप को पकड़ते हैं, उन्हें हम लोग सपेरा बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये पर्सन ये बीन बजा रहा है और इस बीन से सांप जो है ये डांस कर रहा है। अब ये जो होते हैं, इन लोगों को, सपेरों को कब बुलाया जाता है? जब आपके घर के अंदर सांप वगैरह गांव के अंदर निकल जाते हैं तो सपेरे को बुलाया जाता है, वो क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो ये स्नेक चार्मर जो हैं हमारे, स्नेक चार्मर का क्या नाम था फटाफट आप याद करो। तो जो हमारे स्नेक चार्मर हैं आर्यनाथ और जो उनके दादाजी हैं, जो भी उनके पूरा घर था, पूरी फैमिली थी, उनकी पूरी फैमिली के लिए जो स्नेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनकी पूरी फैमिली सांप को पकड़ने का ही काम करती थी। वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। अब ये लोग क्या करते थे कि विलेज टू विलेज जाते थे और इनका जो सांप होता था उसे एक बैम्बू की बास्केट, ये देख रहे हो ये जो बास्केट बनी हुई है ये बैम्बू से बनी हुई है, इसके अंदर रख कर ले जाते थे। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। We would then take out our snakes from our basket. तो क्या होता था कि जब भी ये किसी भी विलेज के अंदर जाते थे तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तो ये लोग क्या करते थे, स्नेक्स को बास्केट के बाहर निकालते थे और बीन बीन बजाते थे। Even after the show people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. तो क्या होता था कि जब इनका शो ख़त्म हो जाता था, जैसे स्नेक को डांस वगैरह करा दिया, उसके बाद भी लोग वहीं पे खड़े रहते थे। अब ऐसा क्यों होता था? तो शो ख़त्म होने के बाद लोग वहाँ पर इसलिए खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास एक टीन का बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की मेडिसिंस हैं, और इन मेडिसिंस को इन्होंने कहाँ से बनाया है, जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर उनसे, जैसे जड़ी बूटी वगैरह का यूज़ करके कुछ दवाई बनाई है। जड़ी बूटी हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे जंगलों के अंदर बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं वो जंगल के अंदर ही पाए जाते हैं, उनसे दवाई बनाने का काम, तो यहाँ पर इनके पास वो दवाइयाँ भी होती थी। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। आई फेल्ट नाइस
that I could help people with my medicines, even if doctors and hospitals were far off. तो क्या था कि ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, ये खुश क्यों होते हैं, हमारे जो राइटर होते हैं वो खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ना और लोगों को मेडिसिंस दे सकता हूँ, और जब मैं मेडिसिंस दूंगा लोगों को तो वो बेचारे ठीक हो जाते हैं और उन्हें मतलब हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता था कि गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर भी हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे कि इन्हीं से दवाई लेके ठीक हो जाते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती थी कि हाँ हमारे हेल्प करने से कोई ठीक हो गया, कोई बीमार नहीं पड़ा। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। तो रिटर्न में जो ये मेडिसिन दिया करते थे उसके रिटर्न में लोग क्या करते थे कि इन्हें कुछ पैसे दे देते थे कि भाई लो इतने पैसे ले लो, या फिर अगर पैसे नहीं होते थे तो फूड ग्रेन्स जैसे चावल दे दिए, दाल दे दी, गेहूँ दे दिया इनको कि अब ये गेहूँ ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो हमसे। समटाइम्स आई वॉज कॉल टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनको सपेरों को बुलाया जाता था जहाँ पर क्या था, किसी बंदे ने, सांप ने किसी पर्सन को काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। और ये क्या करते थे, ये देखते थे जिस भी पर्सन को काटा होता था स्नेक ने, उसको देखते थे सबसे पहले और देखते थे कि किस तरीके के निशान है, किस तरीके के स्नेक बाइट के निशान है, और फिर ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि किस सांप ने काटा है इस पर्सन को। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। और फिर ये क्या करते थे, देख लेते थे कि किस सांप ने काटा है और फिर उसके हिसाब से उस पर्सन को मेडिसिन दे देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मान लो किसी को सांप ने काट लिया तो इन्हें कोई बुलाने आया, अरे भैया चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, गांव के अंदर एक आदमी को सांप ने काट लिया है, जल्दी चलो। तो ये वहां पर पहुंचते थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी, तो ये पर्सन को नहीं बचा पाते थे। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट कैन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्नेक्स के काटने से तुरंत के तुरंत भी डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट ही आदमी मर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन जो ज़्यादातर स्नेक्स हमारे कंट्री इंडिया के अंदर देखे जाते हैं वो जहरीले नहीं होते, पॉइजनस नहीं होते, ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ फार्मर्स आते थे चिल्लाते हुए, अरे सांप सांप सांप, हमारे खेत के अंदर सांप निकल गया, तो ये जाते थे और वहां से सांप को पकड़ के ले आते थे। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये बताते हैं कि बचपन से ही ये सांप पकड़ते हुए आ रहे थे, तो इनको डर वगैरह तो लगता नहीं था, तो ये सांप को पकड़ लेते थे। ओ दोज वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन देम। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचिज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये बताते हैं कि वो जो पुराना टाइम था वो बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, हम लोग मतलब बहुत तरीके में लोगों की हेल्प करा करते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, एंटरटेन मतलब कि उनको इंजॉय करवाते थे। कैसे इंजॉय, क्योंकि ये सांप वगैरह को डांस करवाते थे, स्नेक्स से शो करते थे, तो लोग उस चीज़ को देखना बहुत पसंद करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है कि सब लोग टीवी को देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और अब टीवी के बाद लोग मोबाइल्स चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, फ़ोन के अंदर यूट्यूब देखते रहते हैं। व्हेन आई ग्रो ओल्डर, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, माय फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग। तो ये बताते हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से जो पॉइजनस टीथ होते हैं, फैंग्स होते हैं स्नेक्स के पास जिनके अंदर जहर होता है, उनको किस तरीके से निकालते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और जो ट्यूब होती है पॉइजन की, एक स्नेक के पास क्या होता है, जहर की पोटली होती है उसके मुँह के अंदर, उसको भी उन्होंने क्या सिखाया, बंद करना। किसने, इनके फादर ने। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीख गए अपने फादर से और फिर उन्हें फॉलो करने लग गए अब आगे। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को आप लोग आंसर करने की कोशिश करो, फटाफट आंसर करो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, व्हाट कैन वी डू। आर्यनाथ, योर फादर यूज़ टू ट्रैवल विद मी। तो ये दादाजी बता रहे हैं आर्यनाथ को कि तुम्हारे जो फादर थे, जो तुम्हारे पापा थे, वो मेरे साथ ट्रैवल करा करते थे। एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे तब से ही वो दादाजी के साथ ट्रैवल करते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट।
और वो बीन बजाना सीख गए। मैंने उन्हें सिखाया नहीं, दादाजी ऐसा बता रहे आर्यनाथ को कि मैंने तुम्हारे पापा को बीन बजाना ही सिखाया, वो खुद ही मुझे देख देख के सीख गए। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। तो अब क्या है, आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी वाइल्ड एनिमल है हम उन्हें पकड़ के नहीं रख सकते। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइस, सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। नाउ दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि क्या था कि ये लॉ क्यों बनाया गवर्नमेंट ने। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि लोग क्या करते थे कि लोग एनिमल्स को मार देते थे, जैसे स्नेक हो गया या और कोई एनिमल हो गया, और उसको मार कर उसकी जो स्किन होती है, खाल होती है, उसे बहुत महंगे दाम के ऊपर बेका करते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया क्योंकि लोग एनिमल्स को मारने लग गए थे बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि ये लॉ तो बना दिया गवर्नमेंट ने, अब ये तो ठीक अच्छे इंटेंशन से बनाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने स्नेक चार्मर्स के बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि इनका तो घर ही इसी चीज़ से चलता था कि सांप को पकड़ना और सांप को पकड़ना और लोगों को जड़ी बूटी देके उनका इलाज करना, इन सब चीज़ों से इनका घर चलता था। तो इस वजह से ये बोल रहे हैं कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, लाइवलीहुड मतलब हम लोग अब कैसे अपना खर्चा पानी चलाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, और ये भी बताते हैं कि हमने तो लेकिन कभी भी किसी भी स्नेक को नहीं मारा, एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी स्किन को भी कभी नहीं बेका। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन, इफ यू वॉन्टेड वी टू कुड हैव अंडर लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। तो ये बताते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो स्नेक्स को पालते हैं, वो स्नेक्स को बैड कंडीशन के अंदर रखते हैं, बुरी हालत में रखते हैं, लेकिन अगर हमें बुरा ही रखना होता, ऐसा ही कुछ करना होता, तो हम लोग स्नेक्स को मार देते और उनको मार कर बहुत सारा पैसा कमाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। बट वी नेवर डू दैट, हमने ऐसा कभी नहीं करा। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर्स दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो स्नेक्स हैं वो हमारे लिए खजाने की तरह हैं, और हम लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये स्नेक देते हैं, यहाँ तक कि जब इनकी डॉटर्स की मतलब इनकी बेटियों की जब शादी होती है तो ये स्नेक गिफ्ट तक करते हैं अपनी डॉटर्स को कि लो भाई गिफ्ट, दहेज में ले जाओ स्नेक। इन अवर कालीबेला डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसके दादाजी ये बताते हैं कि जो हमारा कालीबेला का डांस होता है उसके अंदर भी हम स्नेक की तरह मूवमेंट करते हैं, और आर्यनाथ बेटा तुम्हें डिफरेंट लाइफ करनी पड़ेगी, अपने लिए डिफरेंट चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे फादर बीन बजाते थे बहुत अच्छी, उसी तरीके से तुम भी बीन बजा पाते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने जो कज़न्स हैं, जो भी तुम्हारे कज़न ब्रदर्स हैं या फिर सिस्टर हैं, जो भी हैं, उनके साथ मिलकर एक क्या कर सकते हो, एक पार्टी बना सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो, और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, मतलब गांव-गांव जाकर शो कर स्नेक का डांस दिखाकर या गली गली में जाकर और पैसे कमा सकते हो। बट डोंट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन ये जो नॉलेज जो हम एल्डर्स तुम्हें दे रहे हैं स्नेक्स के बारे में, उसको कभी भी वेस्ट मत होने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो भी बच्चे शहर में रहने वाले हैं उनको ये सारी नॉलेज देना, उनको सिखाना शहर में रहने वाले बच्चों को कि ये जो स्नेक्स हैं इनसे डरना नहीं चाहिए हमें, और उनको ये भी सिखाना कि कौन से ऐसे स्नेक्स होते हैं जो जहरीले होते हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो बच्चे हैं शहर में रहने वाले उन्हें ये भी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो स्नेक्स हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्यों, क्योंकि रैट होते हैं, चूहे होते हैं जो फील्ड के अंदर घूमते हैं, वो सारा फील्ड के अंदर जो भी अनाज उग रहा होता है उसे खा जाते हैं, लेकिन जो स्नेक होते हैं उन चूहों को खा जाते हैं, तो फार्मर्स की बेचारों की हेल्प हो जाती है, तो फिर उनके फील्ड का क्रॉप नहीं खा पाते चूहे। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन। अब ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है, किसको, आर्यनाथ को, उसके दादाजी ने बताई है ये पूरी कहानी,
ये तुम अपने बच्चों को बताना, उसके दादाजी ऐसा बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये सारी कहानी बताना, और खुद की भी कोई ना कोई कहानी ज़रूर बनाना। खुद की कहानी कैसे बनाएंगे, आर्यनाथ अगर यही स्नेक्स वाला काम करते रहे तो कुछ ना कुछ तो उनका एक्सपीरियंस होगा, वो अपने वो ग्रैंड चिल्ड्रंस को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखने को कुछ वर्क दिया है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमें डिड यू नो दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का वो हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर हमें दिया है व्हाट वी हैव लर्नड, कि हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि आप कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मार सकता, ठीक है, और ना ही उन्हें कैद करके रख सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोज़ बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।